Assalamu alaikum. This is Garamant, and this is our third lecture of genetics. In this lecture video, we are going to discuss about Mendel's law of dominance. Mendel's law of dominance. First of all, we see the statement or definition of this law. This law says that in hybrid class, only dominant race expresses itself phenotypically. In F1 generation and in F2 generation, both dominant and recessive traits express itself in 3:1. Mean, जब मेंडल या फिर हम लोग काम करते हैं जेनेटिक्स में, तो हम लोगों को नहीं पता चलता कि हमारे पास कौन सा करेक्टर जो है वो डोमिनेंट है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिफरेंट ट्रेड्स, डिफरेंट करेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, दी हाइट, हाइट के लिए हमारे पास आगे दो तरह के हमारे पास ट्रेड्स हैं, टॉल एंड डार्फ. वी डजंट नो दैट टॉल इज डोमिनेंट और डार्फ इज डोमिनेंट. वी हैव अनदर करेक्टर, सीड शेप. And in seed shape, we have two traits. First one is the round, and second one is the wrinkled. The question behind is that Mendel says that the round color is dominant over wrinkled. Similarly, tall is dominant over dark. Similarly, yellow is dominant over green. The question behind it is that how Mendel get information about this, which trait is dominant and which is recessive. For the answer of this question, this is the law. हम लोगों को मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी क्वेश्चन का आंसर देता है कि उसको कैसे पता चला कि कौन सा करेक्टर डिफरेंट है, और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है एंड कौन सा रिसेसिव है. तो सिंपल ये लॉ बताता है कि हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं, कोई भी हम लोगों को क्रॉस कराते हैं, तो डोमिनेंट, तो जो भी डोमिनेंट हमारे पास ट्रेड होता है वो क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है फिनोटिपिकली इन F1 जनरेशन. मीन जो करेक्टर हमारे पास डोमिनेंट होंगे वो F1 में अपीयर हो जाएंगे. ओके, जबकि द करेक्टर विच आर रिसेसिव दे डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन. तो वो रिसेसिव वाले F1 में इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे. बट व्हाट्स अबाउट F2? F2 में क्या होगा? F2 में जो हमारे पास जो डोमिनेंट करेक्टर है उसकी रहे, वो भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव है वो भी करेगा. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, F2 में हमारे पास जो डोमिनेंट है उसकी रेशियो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिसेसिव. ठीक है, वो रेशियो क्या होगी, 3:1 के से वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब हम कुछ एग्जांपल से इसके ऊपर देखते हैं. अगर हम क्रॉस कराते हैं जो हमारे पास दो ट्रू ब्रीडियस प्लांट्स हैं, कौन कौन से, को टॉल को डार्फ के साथ, तो हमारे पास क्या करेक्टर्स आएंगे. ये हमारे पास टॉल प्लांट है, ये हमारे पास डार्फ प्लांट है. दो को हम अगर क्रॉस कराते हैं तो याद रखें, टॉल के लिए हम कैपिटल टी और डार्फ के लिए स्मॉल टी लिख रहे हैं. आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि मोस्टली हम लोग जो है, जो हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर होता है उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट और रिसेसिव को स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे ही हम लोग इसको, हम लोगों ने क्रॉस किया, क्रॉस से पहले हम लोगों को नहीं पता था कि कौन सा हमारे पास डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है. हम लोगों ने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन जैसे हमारे पास आई तो वो सारी की सारी हाइब्रिड थी. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने होमोजाइगोस को डोमिनेंट को रिसेसिव, होमोजाइगोस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया था, तो हमारे पास सारी की सारी जनरेशन क्या है, हाइब्रिड आई. लेकिन वो सारे के सारे क्या है, हमारे पास टॉल प्लांट्स आ गए. ये इस जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था इसने शो कर दिया, द टॉल करेक्टर और टॉल करेक्टर विच इज द लेंथ आर द हाइट ऑफ प्लांट इज डोमिनेंट ओवर डार्फ करेक्टर आर द डार्फ हाइट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ये इसने साबित कर दिया. लेकिन अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्या वाकई हमारा लॉ ठीक है ये एक्सपेरिमेंट. तो हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन को F1 ही के साथ क्रॉस करेंगे. जब हम F1 को F1 के साथ क्रॉस किया, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था, टॉल हमारे पास 3 थे और डार्फ हमारे पास क्या था, 1 था. अब ये जो जीनोटाइप्स हमें बताती है वो क्या है, हमारे पास F2 में हमारे पास जो होमोजाइगोस टॉल आएंगे वो 1 आएगा, जबकि टीरोजाइगोस टॉल 2 आएंगे, जबकि डार्फ 1 आएगा. अब जी क्वेश्चन इसके पीछे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टॉल के, ये हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर था
टी, तो ये हमारे पास रिसेसिव करेक्टर था, तो इसने इसके होते हुए जो रिसेसिव करेक्टर था इसने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सका लाइक F1 में, लेकिन F2 में इसने जस्ट तब ये एक्सप्रेस किया है जब हमारे पास इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं था, जिस कंडीशन में जब जहाँ जहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर था खुद को ये एक्सप्रेस नहीं कर सका, जहाँ पे नहीं था उस वो जगह इसने खुद को एक्सप्रेस किया। इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, वो हमारे जब हम क्रॉस कराते हैं ट्रू ब्रीडर प्लांट्स को पर्पल को वाइट के साथ तो क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पर्पल प्लांट है और ये वाइट प्लांट है। पर्पल को हमने कैपिटल पी जबकि वाइट को हमने स्मॉल पी के साथ डिनोट किया है। जैसे हमने इनको क्रॉस कराया तो हमारे पास सारे के सारे जो प्लांट्स आ गए वो पर्पल आ गए, ठीक है। तो फिर उनका जीनोटाइप क्या हुआ, पी पी यानी कि स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी सारे के सारे हाइब्रिड हमारे पास F1 जनरेशन में आ गए। अब दोबारा से हम F1 को F1 से जैसे ही क्रॉस किया तो हमारे पास क्या है, तीन तरह के हमारे पास जीनोटिपिकली तीन तरह के वेरिएंट्स हमारे पास आ गए, जबकि फिनोटिपिकली हमारे पास दो तरह के वेरिएंट्स आ गए। फर्स्ट वन इज दी पिंक वाला वेरिएंट एंड सेकंड वन इज दी वाइट। पिंक करेक्टर जो थे हमारे पास उनकी रेशियो 3 थी जबकि वाइट की रेशियो 1 थी। अगर जीनोटिपिकली देखें तो हमारे पास जो पिंक है जो डोमिनेंट करेक्टर है वो खुद को एक तो होमोजाइगोस कंडीशन में, ठीक है, और दो जो है ना खुद को हेटेरोजाइगोस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा था, जबकि एक करेक्टर ऐसा था जिसने सिर्फ रिसेसिव फॉर्म में और होमोजाइगोस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस किया। वो करेक्टर हमारे पास क्या है, वाइट कलर का फ्लावर था। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एनालाइज किया, द करेक्टर विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन F1 आर डोमिनेंट विच हाइंड इट सेल्फ इन F1 इज रिसेसिव। अनदर थिंग इज दैट द करेक्टर विच शो मैक्सिमम रेशियो इन F2 विच इज 3 एंड आर डोमिनेंट, वाइल द करेक्टर विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन F2 बट हैव लो रेशियो विच इज 1 इन F2 इज नाउन एज द रिसेसिव करेक्टर। Now we see what's this likes actually explain. Actually, this law explain that every gene have two alleles. ये law बताता है कि हर genes के क्या होते हैं, दो alleles होते हैं, और एक alleles जो होता है वो एक father से एक parent से, जबकि दूसरा allele दूसरे parent से आता है। और इन alleles से जब भी खुद को express करना होता है, या तो फिर वो अगर F1 में उसने express कर दिया वो dominant है, अगर उसने F1 में express नहीं किया तो वो recessive है। अनदर थिंग इज दैट जो हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर है वो खुद को होमोजाइगोस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगोस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जो हमारे पास रिसेसिव करेक्टर लाइक दिस वो हमेशा एक दूसरे अपने को होमोजाइगोस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। थैंक्स, प्लीज गिव मी योर कमेंट्स एज वेल एज डिस्कस, यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल for more such type of videos.